क्या होता है, कैसे क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अब उन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, तो वन बाय वन सारे ऑपरेशन को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यूजिंग क्लास, ठीक है। तो C++ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग क्लास विद पुश पॉप ट्रेवर्स ऑपरेशन ऑल दैट, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन क्या है, हमें स्टैक इनिशियलाइजेशन, स्टैक को इनिशियलाइज कैसे करना है, फिर पुश ऑपरेशन, देन पॉप पुश ऑपरेशन, ठीक है। फिर चेक करना है कि एम्प्टी है कि नहीं, फिर फुल चेक करना है कि नहीं, फिर स्टैक को ट्रैवर्स या डिस्प्ले कराना है, कुछ ऐसा करके ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है तो देखते हैं वन बाय वन वन, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए, इसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा, इसको हटा देते हैं यूजलेस, और यहाँ पर हम लगाते हैं यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस, ठीक है, लगा लिया। सबसे पहले हमने क्लास बनाई एक, इसकी एक स्टैक नाम की, स्टैक नाम की हमने एक क्लास बनाई, ठीक, स्टैक। उसके बाद हमें क्या करना है, प्राइवेट, यहाँ पर इंट नाम का हमने एक डेटा रखा, डेटा नहीं सॉरी एरे, स्टैक एरे रही, ठीक है। इसमें हम साइज पास कर देते हैं, साइज, साइज क्या होगा, ये स्टैक का साइज होगा, और इंट इंट टॉप, ठीक है। ये रहा नाउ, अब क्या है कि हमने दो चीजें बना ली स्टैक। अब स्टैक में हमें साइज करना है, जितना हम साइज पास करेंगे, सब अभी हम साइज क्या कर लेते हैं, साइज को पहले डिफाइन कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो साइज को हम माइक्रोस की मदद से डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे माइक्रोस की मदद से, हैज डिफाइन साइज, साइज हमने दे दिया 5, क्लियर है। ये 5 इसमें आ जाएगा, ठीक। और तो जैसे ये 5 इसमें आएगा तो हमारे पास एक स्टैक क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, स्टैक क्रिएट हो जाएगी जिसका जिसका साइज कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। 5, 1 2 3 4, ठीक है। 0 इंडेक्स एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, 5 हो गया, ठीक है, 5 4। अभी ये स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो हमारा जो टॉप होगा वो क्या होगा, टॉप इक्वल टू -1 होगा, तो हमें इसको सेट करना है टॉप इक्वल टू -1। तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक हमने बनाया पब्लिक, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, एंड देन हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, आउटसाइड अगर बनाते हैं तो हमें स्टैक लिखना पड़ेगा, स्टैक स्कोप रेजुलेशन, एंड देन स्टैक नाम की हमें क्लास को का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, और इसमें हमने पास कर दिया टॉप इक्वल टू -1, ठीक है, ठीक। ये हो गया स्टैक। नाउ अब ऑपरेशन हमें क्या करने हैं, क्या क्या इसको तो हम अंदर ही बना लेते हैं, इसको नो नीड, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर था, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पर डिफाइन करना है तो हमने ना क्या किया, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, अब हमें क्या क्या करना है, पुश करना है, तो void पुश नाम के फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, फिर void पॉप नाम के फंक्शन को हम क्या कर लेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे, फिर void इज एम्प्टी, एम्प्टी नाम के फंक्शन को क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, ठीक है। फिर void इज क्या, फुल है, इस फुल नाम के फंक्शन को क्या कर लिया, हमने डिफाइन कर लिया, फिर void डिस्प्ले नाम के फंक्शन को भी हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। ये सारे ऑपरेशन हमें क्या करने हैं, चेक करने हैं, पुश
पॉप इज इम्पटी इज फुल एंड डिस्प्ले। और कोई ऑपरेशन है हमारे पास? हाँ, पुश पॉप इज चेक इम्पटी चेक फुल एंड ट्रेवर्स डिस्प्ले। ठीक है, ये ऑपरेशन हमने क्या कर लिए, सारे बना लिए। ठीक है, तो इनको सबसे पहले हम क्या कर लें, सबसे पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, इनको हम बनाते हैं, तो सारे फंक्शन को पहले तो हम क्या कर लें, डिक्लेयर कर लें सेम एज इट इज। तो हमें डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टैक स्कोप रेजुलेशन, पहला पुश ऑपरेशन है। ठीक है, पहला है पुश, पुश फंक्शन को ऐसे कॉल किया, और इसमें डेटा नाम का, तो डेटा हम रहने दो, अभी देखते हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, स्टैक 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 पॉप नाम के फंक्शन को भी हम क्या कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं, पॉप पॉप नाम के फंक्शन को भी डिफाइन करने के लिए बस, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर इसका डेटा टाइप हमें क्या रखना पड़ेगा, वॉइड। इसका हम चाहे तो इंट रख सकते हैं इसका, ठीक है, इंटीजर टाइप का रख लेते हैं, इसका भी हम क्या कर लेते हैं, इंटीजर टाइप का रख लेते हैं। ठीक, एस स्टैक, ठीक, पॉप नाम का फंक्शन रहा, और इसका हम डिलीट कर देते हैं, इंट कर लेते हैं, एंड नाउ ऊपर वाले को भी हम क्या कर लेते हैं, इंट कर लेते हैं। इंटीजर, ठीक है, पुश एंड पॉप दोनों को हमने इंटीजर कर लिया, और इसका भी इंटीजर होगा, इंट इंट। ठीक है, देखते हैं अभी चेंज कर लेंगे अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और इसको हमने ये बनाया, ये पॉप का राम, ठीक, ये पॉप का ऑपरेशन होगा। अब फिर एक हमारे पास इंट इज इम्पटी नाम के मेथड को भी हमने क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लेते हैं, इज इम्पटी नाम के मेथड को भी हमने क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, इसमें हमने स्टैक कॉलर इसको ग्रेजुएशन लगाया। अगला ऑपरेशन क्या होगा हमारा, अगला होगा इंट इज फुल नाम के मेथड को भी हमने क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, और इसमें स्टैक नाम के फंक्शन को, क्योंकि हम आउटसाइड डिक्लेयर कर रहे हैं, हमने आउटसाइड बताया था कि आउटसाइड डिक्लेयर आउटसाइड आउटसाइड डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और इनसाइड भी फंक्शन के कर सकते हैं, ये सारी चीजें थी। ठीक है, फिर उसके बाद इंट मेन रहा ये फंक्शन, ऐसे करके ये रहा, और स्टैक नाम के फंक्शन का हमें यहाँ पर, यहाँ पर क्या बनाना होगा, स्टैक नाम के फंक्शन का हमें यहाँ पर वो बनाना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, बना लिया, नो डाउट। ठीक, अब हमें इनकी वन बाय वन और इनको ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना है, पहले पुश को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पॉप को कैसे, इज एम्प्टी को कैसे, इज स्टैक को। ठीक है, अभी ये हमारा इनिशियल है, तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि ये एम्प्टी है कि नहीं है, चेक करना होगा कि ये इम्पटी है कि नहीं है। तो जब पहला हमारा ऑपरेशन है क्या, पुश, पुश अब ऑपरेशन है, पुश ऑपरेशन हमें इम्प्लीमेंट करना है, पुश ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले चेक करेंगे कि इज फुल, ये हमारा क्या फुल है क्या। ठीक है, फुल को चेक करना है, तो देखते हैं, चेक करेंगे पहले फुल, क्योंकि अगर फुल होगा तो हम एक भी एलिमेंट नहीं चेक डाल पाएंगे। तो फुल की एल्गो क्या है, ये रही फुल की एल्गो, फुल की एल्को है, सबसे पहले स्टैक इक्वल टू माइनस हमने डाल दिया, इज इम्पटी, इस फुल चेक करते हैं, इस फुल कंडीशन ये रही कि टॉप इक्वल टू साइज माइनस वन, अगर जो भी वैल्यू है, जो भी टॉप है हमारा, जो भी टॉप है वो, अगर जो भी टॉप है वो हमारा टॉप अभी कहां पर है, माइनस पे, मान लो टॉप अगर यहाँ पर होता, फोर इंडेक्स पे, अगर फोर इंडेक्स पे टॉप होता, टॉप फोर इंडेक्स पे होता, मीन्स साइज कितना है, फाइव, साइज इक्वल टू फाइव, टॉप कहाँ पर होता, फोर पे, तो यहाँ पर होता, तो हम यहाँ पर कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ टॉप इक्वल टू साइज माइनस वन, तो हमारा क्या होगा, हमारा स्टैक क्या होगा, फुल होगा। तो हम यहाँ पर मैसेज डाल देंगे, स्टैक इज
स्टैक इज फुल, अदरवाइज अदरवाइज हमारा स्टैक क्या होगा? खाली होगा, खाली होगा तो एल्स, और रिटर्न कर दे स्टैक इज फुल, रिटर्न कर दे स्टैक इज फुल एंड नाउ उसके बाद अगर फुल नहीं होता है तब तब वो क्या कर दे, रिटर्न कर दे वन, रिटर्न कर दे वन, अदरवाइज जीरो, रिटर्न कर दे वन अदरवाइज जीरो। तो यहां पर रिटर्न करा दिया हमने वन, रिटर्न रिटर्न वन, अदरवाइज अगर खाली होगा तो रिटर्न कर दे जीरो। ठीक है, ठीक है। अगर ये कंडीशन अभी क्या है, अभी ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि टॉप हमारा माइनस वन है, साइज हमारा फाइव है, कंडीशन क्या हो रही है हमारी फॉल्स, तो ये यहाँ पर रिटर्न करेगा। ठीक है, ठीक। ये इज फुल है, ये इज फुल मेथड है, ये इज फुल मेथड है। ठीक, अगर यही इन केस मान लो कि इसमें एक भी, अब चेक करना है कि ये इज इम्पटी है कि नहीं। ठीक है, इज इम्पटी चेक करना है कि ये इम्पटी है कि नहीं, तो अभी टॉप कहाँ पर है, इज इम्पटी चेक करना है। तो इज इम्पटी कैसे चेक करेंगे, टॉप इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस वन। टॉप इक्वल टू अगर माइनस वन है, टॉप इक्वल माइनस वन है, तो इट मीन्स कि हमारा इम्पटी है, तो क्या होना चाहिए, टॉप इक्वल टू अगर माइनस वन है तो रिटर्न कर दे वन, अदरवाइज रिटर्न कर दे जीरो। तो टॉप इक्वल टू, तो यहां पर इफ कंडीशन में लिखेंगे टॉप इक्वल इक्वल माइनस वन, तो रिटर्न हो जाए वन, अदरवाइज रिटर्न कर दे जीरो, जीरो। ठीक है, रिटर्न कर दे जीरो। तो अभी हमारे पास टॉप कितना है, माइनस वन है, तो रिटर्न क्या करेगा वन। ठीक है, जैसे रिटर्न वन करेगा तो अब हम पहले देखते हैं पुश ऑपरेशन को। पुश ऑपरेशन क्या है कि वो यहां पर कंडीशन चेक करेगा, इफ इज फुल इज इम्पटी नाम के मेथड को कॉल करेगा, इज इम्पटी नाम के मेथड को कॉल करेगा, इज इम्पटी पुश वाले ऑपरेशन में। पुश वाले ऑपरेशन में क्या करेगा, यहां पर इंट नाम का एक हमने मेथड भी बनाना है। ठीक है, इंट नाम के डेटा नाम का मेथड बनाया और इसको भी हम इंट डेटा, ठीक, इंट नाम के डेटा। अब क्या है कि ये क्या चेक करेगा कि सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा पुश वाले ऑपरेशन में, देखते हैं। ये रहा पुश, पुश का ऑपरेशन क्या है, चेक स्टैक इज फुल और नॉट, चेक चेक करेगा कि स्टैक फुल है कि नहीं है। तो यहां पर हमें फुल वाले के फंक्शन को पहले तो कॉल कर लेते हैं, यहां पर इस फुल नाम के फंक्शन को कॉल किया तो ये हमें बता देगा कि ये हमारा स्टैक फुल है कि नहीं। तो अगर फुल होगा तो रिटर्न कर दे, अगर रिटर्न कर दे जीरो, अगर फुल होगा, फुल होगा तो क्या रिटर्न कर दे जीरो, अदरवाइज अदरवाइज क्या कर दे, अदरवाइज हम कंडीशन देख लेते हैं। तो पहले टॉप को हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। टॉप को क्या करना है, टॉप प्लस वन, टॉप को टॉप प्लस वन करना है, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस वन कर दिया। ठीक है, हो जाएगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, टॉप को टॉप प्लस वन करेंगे, फिर नम में जो हमने एरे बनाया है, जो स्टैक बनाया है, उसके टॉप में वैल्यू डाल दें एन, उसके टॉप में वैल्यू डाल दें एन। तो उसका जो स्टैक नाम का हमने बनाया है साइज, उसके टॉप में हम क्या डाल दें, टॉप के में वैल्यू डाल दें एन। एन कहाँ से आया, एन नहीं डेटा डाल दें, जो भी हमारे पास डेटा है, जो भी हमने डेटा नाम का वेरिएबल बनाया है, यहाँ पर डेटा डाल दें और फिर और रिटर्न कर दें एन को, रिटर्न कर दें एन को। ठीक है, तो ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई स्टैक पुश की हो गई। ठीक, ये पुश। दूसरा ये हमारा रहा पॉप। अब ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन, जब तक फुल नहीं हो जाएगा तब तक हम क्या करते रहेंगे, ये वाली कंडीशन को हम वर्किंग कर रखेंगे। अगर फुल जैसे हो जाएगा तो इट मीन्स कि हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर फुल नहीं है, खाली है, तो अभी टॉप माइनस वन पे था तो टॉप क्या करेगा, टॉप को एक वैल्यू इंक्रीज करेंगे और उस लोकेशन पे वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। जैसे कि अभी ये फुल नहीं है तो फुल अभी टॉप कहाँ पर है,
-1 पे, तो एक वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो टॉप कहाँ पर जाएगा, टॉप 0 इंडेक्स पर पहुंच जाएगा, कहाँ पर पहुंच जाएगा, टॉप 0 इंडेक्स पे। और इस इंडेक्स पे हमने क्या करना है, इसका नाम है स्टैक। स्टैक के टॉप क्या है, टॉप 0 है, 0 इंडेक्स पे हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट भी पुट कर सकते हैं। फिर दोबारा इंसर्ट करना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, पहले क्या चेक करेंगे कि टॉप हमारा फुल, ये स्टैक फुल तो नहीं है, नहीं है फुल, अगर नहीं होगा तो हम इसमें आएंगे और टॉप को इंक्रीज करेंगे, टॉप को इंक्रीज करेंगे 1, तो टॉप कहाँ पर पहुंच जाएगा, टॉप हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, टॉप इंक्रीज हो जाएगा 1, 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। और इस 1 इंडेक्स पे हम क्या कर पाएंगे, वैल्यू को हम क्या कर पाएंगे, इंसर्ट कर पाएंगे। फिर ऐसे इंसर्ट करे होगा, ऐसे टॉप को फिर इंक्रीज करेंगे और इस यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे 30, फिर टॉप को इंक्रीज करेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे 40, फिर टॉप को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे 50, ठीक है। ये रहा टॉप, टॉप ठीक है, 4 इंडेक्स पे, ठीक, वैल्यू इंसर्ट कर दी। उसके बाद अब ये रहा, अब अगर चेक करेंगे कि टॉप इक्वल टू, ये चेक करेगा कि स्टैक फुल है कि नहीं है। यस भैया, यहाँ पर स्टैक हमारा क्या हो गया, फुल हो गया, क्योंकि हमारा साइज 5 ही है। जैसे फुल हो जाएगा तो वो ये रिटर्न कर देगा 0, अदरवाइज रिटर्न कर देगा n, ठीक है, वैल्यू रिटर्न कर देगा, क्लियर है, ठीक। ये किया, अब देखते हैं पॉप को, पॉप को कॉल किया तो ये क्या करेगा, टू स्टोर अपेंड विच नंबर इज डिलीटेड, ठीक है। तो एक टेम्प नाम का हमने ना क्या करना है, हमें टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाना है, टेम्परेचर नाम का, तो बना लिया, ठीक है, पॉप में एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक। अब ये चेक करेगा इज इम्पटी, क्या हमारा स्टैक इम्पटी है कि नहीं, तो इम्पटी होगा तो कोई भी एलिमेंट हम डिलीट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम इम्पटी चेक कर रहे हैं, इज इम्पटी, अगर इम्पटी होगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता डिलीट करने का, इस वजह से चेक करना है, तो रिटर्न कर दें 0, क्या कर दें, रिटर्न कर दें 0, अदरवाइज, अदरवाइज क्या कर दें, टेम्प में जो नम की नंबर जो एरे है स्टैक, उसका टॉप वैल्यू डाल दें टेम्प में, जो भी, अगर एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दें, क्या कर दें, जो हमने टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया है उसमें स्टैक के टॉप वैल्यू को हम क्या कर दें, इसमें पुट कर दें, स्टैक के टॉप वैल्यू को हम इसमें डाल दें, टॉप वैल्यू इसमें डाल दी, ठीक है। हमें डिलीट करना है, तो मान लो सपोज करो 50 डिलीट करना है, 50 डिलीट करना है, तो 50 को हमने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। और ये 50 उससे डिलीट करने से पहले हमें क्या करना होगा, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसमें डाल देंगे 50। कैसे डाला हमने, डाला हमने क्या है कि टेम्प नाम के वेरिएबल में, वेरिएबल में स्टैक की टॉप, स्टैक इसका नाम क्या है, स्टैक है, स्टैक का टॉप, टॉप क्या है, टॉप की वैल्यू हमारी है, टॉप की वैल्यू है 50, तो इसकी वैल्यू, स्टैक के टॉप की वैल्यू है 50, 50 किसमें आ गई, टेम्प में आ गई, वो हमने इसमें इसमें स्टोर कर दी। और फिर हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट मीन्स टॉप को एक डिक्रीज कर देंगे, टॉप को टॉप -1 कर देंगे, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ये किसको पॉइंट करने लगेगा, इस वाले इंडेक्स को पॉइंट करने लगेगा, टॉप को टॉप -1 कर देंगे, तो टॉप ये डाल दी वैल्यू इसमें, अब टॉप को टॉप -1 कर देते हैं, टॉप इक्वल टू टॉप -1, और रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे टेम्परे, जो भी टेम्प वैल्यू हो गई, रिटर्न रिटर्न टेम्प, ठीक है, टेम्प को हमने रिटर्न करा दिया, क्लियर है, टेम्प को रिटर्न करा दिया। अब हमने ये सारे फंक्शन तो बना लिए, इससे पहले हमें एक डिस्प्ले का भी बनाना है, ठीक है, एक डिस्प्ले का भी बनाना है और इसको चेक करना है, ठीक है, डिस्प्ले का बनाना है। तो सबसे पहले void void stack display नाम का हमने भी एक मेथड बनाया, डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया और इसको हम डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले कैसे होगा, चेक करेंगे यहाँ पर कि हमारा स्टैक खाली तो नहीं है। डिस्प्ले को चेक करने के लिए पहले हमें सब देखना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, और चेक करना पड़ेगा कि हमारा स्टैक इस खाली तो नहीं है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, तो क्या किया, यहां पर आए, इंट आई नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और यहां पर लूप लगाया, फॉर लूप आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन साइज माइनस, साइज -1 तक चलाएंगे और आई
प्लस प्लस कर देंगे और आई प्लस प्लस सेंड कर देंगे, और इसके स्टैक के पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ये डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, ठीक। आई स्टार्ट कहाँ से होगा, टॉप से होगा, सॉरी 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 सॉरी, टॉप से स्टार्ट होगा, और आई कहाँ तक जाएगा, जीरो तक, और आई को माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, ये होने वाला है। आई स्टार्ट करेंगे टॉप से, क्यों स्टार्ट करेंगे टॉप से, क्योंकि हमें वैल्यू को डिस्प्ले, वैल्यू डिस्प्ले हमें टॉप से कराना है, पहले टॉप फिर उसके बाद नीचे वाली वैल्यू, ऐसे इस ऑर्डर में। तो सी आउट कर दिया, सी आउट स्टैक के टॉप की वैल्यू क्या करती जाए, डिस्प्ले होती जाए, स्टैक आई की वैल्यू और हिंडल। ठीक है, आई इज इक्वल टू टॉप, आई की वैल्यू जो होगी वो जीरो से ग्रेटर देन होनी चाहिए, और आई माइनस माइनस करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन बन गया डिस्प्ले का। नाउ ये सारी चीजें तो हमने बना ली। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, चॉइस बनानी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक स्टैक, जो भी स्टैक क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर हमने इंट चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाया, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, और एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया, ये सारी चीजें हमने बना ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डू वाइल लूप लगाएंगे, डू वाइल लूप लगाया, और इसके अंदर हमने क्या किया, सी आउट कुछ ऑपरेशन लिख लिए। ऑपरेशन हमारे पास क्या है, ये है ऑपरेशन, क्या है हमारे पास, ये सारे ऑपरेशन देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन है। एक पहला ऑपरेशन हमारे क्या है, जीरो प्रेस करेंगे तो एग्जिट हो जाए, जीरो प्रेस करने पर हमारा क्या हो जाए, सी आउट, जीरो प्रेस करेंगे तो क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए, एग्जिट। ठीक है, हैंडल, फिर सी आउट हम वन प्रेस करें तो क्या हो जाए, इंसर्शन, पॉप हो जाए, पुश, सॉरी पुश ऑपरेशन। ठीक है, फिर अगर हम सी आउट टू प्रेस करते हैं तो क्या हो जाए, पॉप नाम का ऑपरेशन हमारा क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, पॉप नाम का ऑपरेशन हमारा क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, पॉप नाम का ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाए, फिर सी आउट, फिर हम थर्ड प्रेस करें तो हमारा क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, डिस्प्ले। ठीक है, सारे एलिमेंट क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, फिर सी आउट, और भी ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, और डिस्प्ले हो जाए, हमने चार, पुश पॉप और एग्जिट एंड डिस्प्ले। ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है, डिस्प्ले तक ही रखते हैं, 0 1 2 3, ये रहा। अब हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, इस चॉइस को पहले तो यूज़र से इनपुट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज दे दें, सी आउट इंटर द चॉइस। ठीक है, चॉइस को इंटर करेंगे, इंटर। ठीक है, और चॉइस को हम इनपुट करा लेंगे, तो चॉइस नाम के वेरिएबल को हमने क्या करा लिया, इनपुट करा लिया। ठीक है, जैसे इनपुट होगा अब इसको हम क्या कर देंगे, स्विच केस के अंदर डाल देंगे, स्विच केस के अंदर, चॉइस को हमने ना स्विच केस के अंदर डाल दिया, और यहाँ पर केस जीरो बनेगा, केस जीरो होगा जो कि हमारा ब्रेक हो जाए, क्योंकि जीरो प्रेस करने पे हमारा कोड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। केस हम वन बनाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे एसटी डॉट पुश नाम के फंक्शन को। ठीक, और यहाँ पर ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ये वैल्यू कुछ ना कुछ क्या करेगा, रिटर्न करेगा, इंटर आइटम टू द, ये वाला पहले हमें ये करना है, पहले डेटा को यहाँ पर एंटर कराना है, तो डेटा को इंटर करा लेते हैं पहले तो। ठीक है, ठीक, सी आउट इंटर द डेटा। ठीक है, डेटा को इंटर कराना है, जो भी वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। ठीक है,
वैल्यू हमें क्या करनी, इंसर्ट करनी है इंटेल। ठीक, सी इन किया, डेटा नाम को वैल्यू को हमने इंसर्ट करा दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, एक इस एसटी नाम के फंक्शन में पुश फंक्शन को हमें क्या करना है, तो हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया है, टेम्प नाम का ऊपर बनाया है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एसटी डॉट स्टैक पुश नाम के फंक्शन को हमने क्या करना है, कॉल करना है, पुश नाम के फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पर हमें डेटा वैल्यू डाल देनी है और ब्रेक कर देना। अब ये टेम्प में आएगा, टेम्प में वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होगी, स्टोर होगी, और इसी टेम्प को हम क्या कर लेंगे, डिस्प्ले करा लेंगे। अगर टेम्प इक्वल टू जीरो है तो इट मीन्स कि हमारा स्टैक फुल है, अदरवाइज टेम्प इक्वल टू जीरो तो स्टैक हमारा फुल है, अगर टेम्प में जीरो नहीं है तो डेटा हमारा इंसर्टेड हो गया। तो ये हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं इतना, ठीक, ये फंक्शन हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और हम लूप को क्या कर दें, इसको हम कर देते हैं ब्रेक, ब्रेक ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये हमारा इंसर्शन का हो गया, ठीक, ये केस वन हो गया। केस वन जैसे प्रेस करेंगे फिर डेटा डालेंगे, फिर वो पुश वाला फंक्शन हमारा चलेगा, ये वाला पुश फंक्शन चलेगा, और ये चेक करेगा कि हमारा पुश करते समय, पुश करने से पहले ये चेक करेगा कि ये हमारा खाली है कि नहीं, ठीक है, ठीक, जैसे फुल हो जाएगा वो रिटर्न कर देगा ऐसे। तो अब ये यहाँ पर जब पुश फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा टेम्प में, टेम्प अगर जीरो होगा इट मीन्स कि हमारा स्टैक फुल है, अदरवाइज हमारा डेटा क्या हो जाएगा, एल्स अगर जीरो नहीं रिटर्न करता इट मीन्स कि हमारा डेटा जो भी होगा वो इंसर्टेड होगा, ठीक है। ये हमारा केस पुश का हो गया। दूसरा एक केस हमने बनाया टू, ये हमारा रहा पॉप का, ठीक है, पॉप का रहेगा, ठीक, पॉप। तो हम क्या करेंगे, एक टेम्प सेम एग्जैक्टली उसी के तरीके हम इसको भी कर लेंगे, टेम्प नाम का हमने वेरिएबल बनाया, टेम्प हमारे पास ऑलरेडी है टेम्परेरी नाम का, और एस टी डॉट हमने पुश पॉप फंक्शन को हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया, ठीक है, कॉल कर लिया, नो डाउट। अब ये चेक करेगा टेम्प इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैक इज एम्प्टी, टेम्प इक्वल टू जीरो, स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज ये रिमूव हो जाएगा फंक्शन हमारा। कैसे वो देख लेते हैं हम, वो कैसे होगा, देखो टेम्प इक्वल टू ये एस टी पॉप फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा, वो टेम्प में स्टोर होगा, वो रिटर्न कैसे करेगा, वो पॉप फंक्शन की डिपेंडेंसी पर। तो पॉप फंक्शन क्या है, पॉप फंक्शन, अगर पॉप फंक्शन इम्पटी होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, जीरो, अदरवाइज इम्पटी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ टेम्परे लोकेशन रिटर्न करेगा, जो भी वैल्यू डिलीट करनी होगी वो, और उसको हम क्या कर देंगे, टॉप माइनस माइनस करके कुछ ऐसे वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, वो वैल्यू हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर रिटर्न होगी नीचे में यहाँ पर। और अगर टेम्प इक्वल टू जीरो इट मीन्स कि स्टैक एम्प्टी है, टेम्प अगर जीरो नहीं होता इट मीन्स कि हमारा स्टैक क्या हो गया, डिलीटेड होगा, और इसको हमने कर लेना है ब्रेक। फिर केस हमारा क्या बनेगा, थर्ड बनेगा, ठीक, 0 1 2 3, थर्ड हमारा किस लिए, डिस्प्ले नाम के लिए। तो एस टी डॉट डिस्प्ले नाम के फंक्शन को हम क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे और इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है, एस टी नाम के फंक्शन को हम क्या करने वाले हैं, कॉल करने वाले, डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया। फिर लास्ट है हम डिफॉल्ट, अगला हमारा होगा डिफॉल्ट नाम का केस, केस डिफॉल्ट, सॉरी डिफॉल्ट फॉल्ट नाम का, इसमें चॉइस इंटर कर लेते हैं, इनवैलिड इनवैलिड चॉइस, ठीक है, ये रहा हमारा इम्प्लीमेंटेशन सारा स्टैक का। और अब इसको देखते हैं रन करा के, तो ये रन होता है कि नहीं, ठीक है, ये रहा हमारा कोड टोटल, और इसको हम रन करा के देखते हैं कि ये प्रॉपर वर्क रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो नाउ हमारे कोड में कुछ ना कुछ रिटर्न एन, तो कुछ ना कुछ कोड नंबर 27 लाइन नंबर पे हमारे कोड पे कुछ ना कुछ एरर है। तो 27 नंबर लाइन पे हमें यहाँ तो पहली बात तो एन रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पर हमें डेटा रिटर्न करना है, ठीक है, डेटा रिटर्न करना है। तो डेटा हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक ठीक फिर देखते हैं नाउ स्टैक 62 नंबर लाइन पे हमारे पास एरर है,
62 नंबर लाइन पे, 62 के पहले यहाँ से भी कॉलन लग गया है। अभी देखते हैं और कहीं पे कुछ एरर है। यस, 11 लाइन पे एक्सपेक्टेड है वाइल वो। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये चॉइस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वॉइल होगा, वॉइल की कंडीशन हमें यहाँ पर डालनी होगी। सॉरी, वॉइल हमें चॉइस डज नॉट इक्वल टू जीरो, हमें यहाँ पर डालना होगा चॉइस डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो हमें ये। और क्या है, इंट मेन, इंट मेन, एरर रिडिफाइन इन इंट मेन। ओके, रिडिफाइन इंट मेन, तो क्या हो गया, इंट मेन 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 क्या हो गया, प्रीवियसली डिफाइंड हेयर, प्रीवियसली डिफाइंड हेयर मीन्स वाई इट इज टेकिंग टाइम, प्रीवियसली डिफाइंड हेयर का मीनिंग क्या है। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन था, हमने दो बार डिफाइन कर दिया। ओके, नाउ इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं पूरा कोड और एक नया कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर कोड को हम कर देते हैं कॉपी और यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं रिटर्न 0। अब रन करते हैं, यस हो गया, कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। पहला ऑपरेशन है 0, 0 जैसे प्रेस करेंगे हमारा कोड क्या हो गया, एग्जिट हो गया, अब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने रन किया, अब हम 1 प्रेस करते हैं, 1 प्रेस किया, बोलेगा डेटा डालो, डेटा हमने 10 डाला, ठीक है, इंसर्टेड, फिर बोलेगा 1, तो हम 1 डाला, डेटा 20, ठीक है, डेटा इज इंसर्टेड, ठीक है, फिर 1 प्रेस किया, हमने डेटा डाला 30, ठीक है, डेटा इज इंसर्टेड, अब हमें डालना है 3, ठीक है, वैल्यू हमारी ये हो गई 30, 20, 10। देखो ये टॉप क्या है, टॉप वैल्यू हमने क्या डाली, 30, फिर 20, फिर 10, ये सीक्वेंस में टॉप ये है, ये रहा ये रहा। अब हमें डिलीट करना है, तो हमने 2 प्रेस करना है, अब हम डिलीट करेंगे, 30 इज डिलीटेड, 30 इज रिमूव्ड पॉप्ड, अब डिस्प्ले करेंगे तो कितना आएगा, 20 और 10, 20 और 10 बचा। अब हम 3 फिर से प्रेस करेंगे, सॉरी 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 डिलीट हो जाएगा, क्योंकि 20 टॉप पे है इस समय, तो टॉप पे 20 इज डिलीटेड रिमूव्ड। फिर अब चेक करेंगे तो अब हमारे पास सिर्फ बचेगा 10, 10 एलिमेंट, अब इसको भी डिलीट कर देंगे, हमने 2 प्रेस किया, अगर इसको भी डिलीट कर दिया तो ये भी हो गया। अब डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, तो हमारा एग्जिट 0, एग्जिट हो गया, चॉइस हमने अब 2 फिर से प्रेस करते हैं, तो स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है, तो ये हमारा स्टैक हो गया। ठीक है, इसके सारे ऑपरेशन हमने देख लिए, कैसे इंप्लीमेंट हुए, कैसे यूज होते हैं। ठीक, तो ऑल ऑपरेशन पोस्ट पॉप इज एम्प्टी, ऑल ऑपरेशन हमने देख लिए यूजिंग C++ क्लास की मदद से, और ये रहा इसका प्रॉपर एग्जांपल कैसे इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, ठीक है, अगर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।